भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व निदेशक और पूर्व भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन कर दिया। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शास्त्री का आवेदन आ चुका है। इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के ओपनर फिल सिमंस ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। कोच पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई है। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनने के लिए अप्लाई करेंगे। अब इन खबरों से संदेह दूर हो गया है। क्रिकेट टीम की एडवाइजरी कमेटी 10 जुलाई को इंटरव्यू के बाद टीम के कोच का नाम बीसीसीआई को दे देगी, जिसके बाद बीसीसीआई इसकी औपचारिक घोषणा करेगा। भारतीय टीम के कोच पद के लिए अब रवि शास्त्री के अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, टॉम मूडी, लालचंद राजपूत, रिचर्ड पाइबस और डोडा गणेश भी अप्लाई कर चुके हैं। गौरतलब है कि अनिल कुंबले और विराट कोहली में मतभेद होने की खबरों के बीच पूर्व कोच ने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि उनके कोचिंग का तरीका कप्तान कोहली को पसंद नहीं है। वहीं कोहली रवि शास्त्री के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। ऐसे में शास्त्री कोच की इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। इससे पहले शास्त्री 2 साल तक टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।